कानून के तहत जेल मिल गया। तो मुझे लगता है कि ये संघर्ष को इसी संघर्ष के जरिए हम सब एकत्र होंगे और यही हमें आगे का रास्ता बताएगा। तो ये सिर्फ कानून की लड़ाई तक ही हमें सीमित नहीं रहना है, इससे हमें बहुत आगे लड़ाई करना है और संगठित होकर हमारे संघर्ष को पेश करना है, इंकलाब करना है। कमेश अभी आधा घंटा प्रोग्राम चलेगा, ऐसे खड़े मत हुए बैठिए जहाँ पर जो लोग साथी बैठे हुए थे। प्लीज आप बात को समझिए, पत्ता बोलने इसका मतलब नहीं कि प्रोग्राम खत्म हो गया, जहाँ जाए बैठिए वहाँ पर इसको इधर बैठिए। अभी आधा घंटा चलेगा, बहुत साथी बोलने वाला है, अच्छी बात नहीं है ये। जो करना लगे सिर्फ मजदूर विरोधी कानून लेवल को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, मजदूर विरोधी कानून लेवल को रद्द करो, रद्द करो, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी बदलाव वापस लो, वापस लो, वापस लो, सरकार मुर्दाबाद, 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 अभी कुछ बचता है, अभी प्रोग्राम आधा घंटा चलेगा, इसलिए आप लोग इधर ना जाएं। देखिए लगातार मजदूर जो है अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। यहाँ पर भी नई दिल्ली के जंतर मंतर से लगातार मजदूर जो हैं आज भी अपनी मांग लेकर के केंद्र सरकार के समक्ष आए हैं। हमारे साथ हैं दिनेश जो कि मजदूर संगठन से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है इनकी प्रमुख मांगे केंद्र सरकार से, क्या है आपकी प्रमुख मांगे? देखिए हमारी जो प्रमुख मांग है, तत्कालिक जो मांग है वो यही है कि अभी जो चार लेबर कोड आए हैं उनको वापस लिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये मजदूर विरोधी हैं और इससे ठेकाकरण बढ़ेगा, निजीकरण बढ़ेगा और मजदूरों की जो हालत है वो जो अभी भी जो बहुत बेहतर नहीं है वो उससे ज़्यादा और ख़राब होगी। तो इन श्रम संहिताओं को वापस लिया जाए, हमारी सबसे प्रमुख मांग यही है। तो कितने संगठन आज एकत्रित हुए हैं यहाँ नई दिल्ली के जंतर मंतर? देखिए 8 संगठन जो थे वो आयोजक थे, इसका आयोजन करता थे, उसके अलावा भी और भी संगठन इसमें शामिल हुए हैं जो इसमें हमारे सॉलिडारिटी में जो हमारे समर्थन में आए हैं। तो और भी संगठन हैं, 8 तो इसके आयोजक करता थे और क्योंकि मामला पूरे मजदूर वर्ग का है, ठीक है, तो इसलिए लड़ाई पूरे मजदूर वर्ग की है और इसलिए कोई भी मजदूर वर्ग का तबका यूनियन हमें जब समर्थन करता है तो हम उनका स्वागत करते हैं कि हाँ ये क्योंकि लड़ाई साझी लड़ाई है, क्योंकि सरकार के खिलाफ लड़ना, दिल्ली सरकार के सत्ता के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होता है, इसलिए मजदूरों की एकता के बल पर ही हम लड़ सकते हैं। और जो पुराने कानून भी जो थे जो मजदूरों के हित में कभी बनाए गए वो मजदूर एकता से मजदूरों के संघर्ष के दबाव में ही बनाए गए थे, इसलिए मजदूरों का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और आज यहाँ पे मुख्य तौर पे 8 संगठन थे पर हमें समर्थन है दिल्ली के अलग अलग संगठनों का और आगे भी हम इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे। आपने कहा दिल्ली के काफ़ी जो है संगठन यहाँ पर आए थे आप लोगों का समर्थन करने, क्या अन्य राज्यों से भी यहाँ पर आए? नहीं आज ये दिल्ली प्रदेश का ही संगठन यहाँ पर मौजूद थे, अन्य अभी प्रदेशों से इसका ऑल इंडिया भी ये प्रोटेस्ट नहीं था और जब ऑल इंडिया प्रोटेस्ट रखा जाएगा तो हमें उम्मीद है कि वहाँ से भी हमें समर्थन मिलेगा और इन श्रम संहिताओं से जो नुकसान होने वाला है, जैसे कि इसमें जो कानून है इसमें आपको कहा जा रहा है कि आपको यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है, जो मजदूरों ने आज से लगभग 100 साल पहले तक लड़कर यह अधिकार हासिल किया था कि जब भी हम, क्योंकि मालिक जो है वो मजबूत स्थिति में होता है, वो कभी भी मजदूरों के शोषण करने की स्थिति में होता है और वो मजदूरों का शोषण करता है, इसलिए मजदूरों ने ये अधिकार पाया था कि वो अपनी यूनियन बनाकर प्रशासन के खिलाफ व्यवस्था के खिलाफ लड़ सके। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको यूनियन बनाने का अधिकार नहीं होगा, आप हड़ताल नहीं कर सकते, अगर आपको किसी भी हड़ताल पर जाना है नए श्रम संहिताओं के अनुसार तो आपको 15 दिन या 20 दिन का नोटिस पहले देना पड़ेगा। इसमें कहा जा रहा है कि जो काम का जो समय है उसको 8 घंटे से वर्किंग आवर को बढ़ा के 8 से 12 कर दिया गया है, जिससे सीधा सीधा मजदूरों को नुकसान होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है ये कि इसे एक मसले को पूरे मजदूर और मालिक के बीच में बनाकर रख दिया और सरकार कह रही है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी कि अगर मजदूरों का शोषण हो रहा है तो ये साफ तौर पर मजदूर। आपको नहीं लगता कि सर कि जब सरकार ये कह रही है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्या वोट लेने की जिम्मेदारी सरकार की होती है? वोट लेने की जिम्मेदारी, वोट क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ठीक है, और उस 5 साल की व्यवस्था में हम सरकार को चुनते हैं, ये कहा जाता है ये हम की सरकार को चुनते हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस कभी आम आदमी पार्टी हम चुनते हैं, पर वास्तव में वोट से चीज़ें नहीं तय हो रही हैं, वोट से तो मुखड़ा बदल रहा है। अगर सीधा सीधा मैं कहूँ तो आज से लेके मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार 70 साल रही, कांग्रेस कह रही है कि 7 साल से मोदी की सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, एक दूसरे को
ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा, ये कुछ करते नहीं है। हमारा सीधा मानना है कि इस देश में कांग्रेस बीजेपी की सरकारें नहीं रही हैं, इस देश में पूंजीपतियों की सरकारें रही हैं, अमीरों की सरकारें रही हैं, उन्हीं के हित में नीतियां बनती रही हैं और मजदूर विरोधी सरकारें रही हैं। तो इसलिए मजदूरों का इकट्ठा होना और ये श्रम संहिताएं भी मजदूर विरोधी हैं, इसलिए इनके खिलाफ भी लड़ना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। तो क्या कहना चाहेंगे तमाम मजदूरों से? तमाम मजदूरों से हमारा यही आह्वान है कि इन श्रम संहिताओं के खिलाफ लामबद्ध होकर, एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर, संगठित होकर संघर्ष करें और मजदूर अधिकारों को हासिल करें और इस व्यवस्था को जो हमने बनाया है, मजदूरों ने अपनी मेहनत से बनाया, इन हाथों से बनाया है, इसमें हमारा जो योगदान है उतना हम वापस ले लें, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था श्रमिकों के श्रम की लूट पर खड़ी है। तो ये लूट को रोकने के खिलाफ हम संघर्ष करें, इकट्ठा हों, ये हमारा आह्वान है आपके चैनल के माध्यम से।